हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, लाइनक्स लेक्चर सीरीज़ के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे लाइनक्स फाइल सिस्टम के बारे में। इस लेक्चर में आप सभी जानेंगे कि लाइनक्स फाइल सिस्टम क्या होता है, लाइनक्स डायरेक्टरी ट्री और एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले लाइनक्स फाइल सिस्टम, तो बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फाइल सिस्टम क्या होता है। आप उसको कैसे समझते हैं, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको रिलेट करूँगी। जैसे कि एक फ्रिज होता है, थिंक ऑफ ए रेफ्रिजरेटर दैट हैज़ मल्टीपल शेल्व्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग वेरियस आइटम्स। तो फ्रिज में क्या होता है, डिफरेंट टाइप की शेल्व्स होती हैं डिफरेंट साइज़ के आइटम्स को अलग अलग स्टोर करने के लिए। These shelves help you organize the grocery items by shape, size, type, etc. तो ये different shelves different type के items के लिए बनी होती हैं, जैसे कि vegetables के लिए different section होता है and water bottles के लिए different section होता है, other stuff के लिए different sections होते हैं। तो इसी तरीके से जो file system होता है वो आपको ये facility provide कराता है कि आप कैसे की files कैसे हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम में के थ्रू स्टोर होती हैं, स्टोरेज में वो कैसे स्टोर होती हैं, उनकी क्या क्या डिटेल्स स्टोर की जाती हैं। द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू अ फाइल सिस्टम विच इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ ए मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आर्बिट्ररी कलेक्शंस ऑफ डाटा इन ए ह्यूमन यूजेबल फॉर्म। तो फाइल सिस्टम बेसिकली डेटा को के कलेक्शन को स्टोर एंड ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, जिससे जो कि ह्यूमन यूजेबल फॉर्म में बन सके, जिसे हम इजीली एक्सेस कर सकें इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, फोल्डर्स, डायरेक्टरीज एट डिफरेंट प्लेसेस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम सपोर्टेड बाय लाइनक्स। लाइनक्स के द्वारा सपोर्टेड बहुत सारे फाइल सिस्टम्स होते हैं, जिसमें से कुछ हैं कन्वेंशनल डिस्क फाइल सिस्टम कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, इसमें आते हैं EXT2, EXT3, EXT4 फाइल सिस्टम, XFS एंड NTFS फाइल सिस्टम। ये सब कन्वेंशनल डिस्क फाइल सिस्टम होते हैं। इसके अलावा कन्वेंशनल मतलब जो हार्ड डिस्क में यूज़ होते हैं। इसके अलावा फ्लैश स्टोरेज फाइल सिस्टम, यानी कि जो फ्लैश ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स फ्लैश स्टोरेज में यूज़ होता है, वो होते हैं UBIFS, JFFS, टू YAFS। डेटाबेस के लिए डेटाबेस फाइल सिस्टम्स होते हैं एंड कुछ स्पेशल पर्पस फाइल सिस्टम्स भी होते हैं जिसको लाइनक्स सपोर्ट करता है, जैसे कि प्रॉक फाइल FS, प्रॉक फाइल सिस्टम, SysFS, TempFS, DebugFS। बेसिकली ये सब सिस्टम रिलेटेड फाइल्स या फिर जो एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स इंस्टॉल होते हैं उनसे रिलेटेड फाइल्स या फिर टेम्प्रेरी फाइल्स स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। विंडोज़ के केस में जो फाइल सिस्टम यूज़ होता है वो NTFS फाइल सिस्टम होता है, जो कि लाइनक्स में भी सपोर्टेड है। अब हम देखते हैं कि पार्टीशन और फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली एक आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जब हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं हार्ड डिस्क में, तो हम उसको डिवाइड करते हैं पार्टीशंस में। आप सभी जानते हैं, जैसे विंडोज़ भी अगर आप इंस्टॉल की है तो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन हार्ड डिस्क पार्टीशंस में डिवाइड हो जाती है, जिसको CD ड्राइव बोलते हैं, डिफरेंट पार्टीशंस, और उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। तो ये तो होते हैं पार्टीशन। अब फाइल सिस्टम और पार्टीशन में क्या डिफरेंस है देखते हैं। अ पार्टीशन इज़ अ लॉजिकल पार्ट ऑफ द डिस्क, वेयर एज अ फाइल सिस्टम इज़ अ मेथड ऑफ स्टोरिंग और फाइंडिंग फाइल्स ऑन ए हार्ड डिस्क, यूजली ए पार्टीशन। तो बेसिकली पार्टीशन क्या होता है, वो एक लॉजिकल पार्ट हो गया डिस्क का। एक्चुअल में तो हार्ड डिस्क एक हो है, उसको हमने लॉजिकली डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, जिसे हम पार्टीशन कहते हैं। तो पार्टीशन हो गया हमारा लॉजिकल पार्ट ऑफ डिस्क। वेयर इज जबकि फाइल सिस्टम क्या है, फाइल सिस्टम एक मेथड है, तरीका है फाइल्स को उस पार्टीशन में स्टोर करने का या फिर फाइंड करने का, अरेंज करने का, वो तरीका प्रोवाइड करता है, मेथड। यू कैन थिंक ऑफ फाइल सिस्टम्स एज बीइंग लाइक फैमिली ट्रीज दैट शो
डिसेंडेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप। आप इसको एक फैमिली ट्री की तरह भी समझ सकते हैं फाइल सिस्टम को, जिस जो कि शो करता है किसको, डिसेंडेंट्स को और उनकी रिलेशनशिप्स को। फैमिली ट्री में क्या होता है, सबसे पहले जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, फिर उसके चिल्ड्रन होंगे, फिर उनके चिल्ड्रंस होंगे, तो जो डिसेंडेंट्स होंगे उनसे रिलेशनशिप शो करेगा। वाइल द पार्टीशंस आर लाइक डिफरेंट फैमिलीज, और पार्टीशंस एक अलग फैमिली हो गई, तो पार्टीशंस आर लाइक फैमिली एंड फाइल सिस्टम इज लाइक ए फैमिली ट्री, जो कि उस पार्टीशन के अंदर स्टोर होने वाले फाइल्स एंड फोल्डर्स में रिलेशनशिप प्रोवाइड कराता है। ईच ऑफ विच हैज़ इट्स ओन ट्री, सभी पार्टीशंस। अ कंपेरिजन बिटवीन फाइल सिस्टम इन विंडोज़ एंड लाइनक्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब हम देखते हैं कि विंडोज़ एंड लाइनक्स के बीच में पार्टीशंस एंड फाइल सिस्टम्स में क्या डिफरेंस है। तो पार्टीशन की जब हम बात करते हैं, तो विंडोज़ में डिस्क पार्टीशंस होते हैं, जो कि डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3 कहलाते हैं। एक डिस्क को हम डिवाइड कर देते हैं। और लाइनक्स के केस में जो पार्टीशन होते हैं वो /dev/sda1 कहलाते हैं। फर्स्ट पार्टीशन sda1, इसी तरीके से अगर सेकंड पार्टीशन होगा तो /dev/sda2 होगा, उसका पास थर्ड पार्टीशन होगा तो /dev/sda3 होगा। फाइल सिस्टम टाइप, विंडोज़ के केस में NTFS और FAT32 सपोर्टेड होता है। जनरली NTFS यूज़ होता है हार्ड डिस्क के लिए एंड FAT32 होता है पेन ड्राइव के लिए, फ्लैश स्टोरेज के लिए। और लाइनक्स के केस में जो कॉमनली यूज्ड फाइल सिस्टम्स हैं डिस्क के लिए, वो है EXT2, EXT3, EXT4 और XFS। अब माउंटिंग पैरामीटर क्या होता है। माउंटिंग पैरामीटर बेसिकली क्या होता है कि जब एक डिस्क को आप पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं, तो उसको डिनोट करने के लिए एक उसको नेम दिया जाता है, जिसको ड्राइव लेटर कहते हैं विंडोज़ के केस में। तो ड्राइव लेटर होता है या तो सी या डी या ई या एफ, ठीक है। तो जितने आप पार्टीशन क्रिएट करेंगे उतने ड्राइव लेटर्स उसको असाइन कर देंगे, और इसको माउंटिंग पैरामीटर कहते हैं टेक्निकली। और लाइनस के केस में सिमिलरली हम माउंट पॉइंट बनाते हैं, उसको माउंट पॉइंट कहा जाता है। बेस फोल्डर वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टोर्ड, वो फोल्डर जहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है। तो विंडोज़ के केस में ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा सी ड्राइव में स्टोर होता है, और लाइनक्स के केस में यह रूट कहलाता है। इसे स्लैश से कहते हैं, डिनोट करते हैं, एक स्लैश लगा जो आप देख सकते हैं यहाँ से दिया गया है, इसको रूट कहते हैं। लाइनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड। तो अभी हमने पढ़ा कि फाइल सिस्टम बेसिकली क्या करता है, एक फैमिली ट्री की तरह कार्य होता है, जो कि रिलेशनशिप प्रोवाइड कराता है बिटवीन फोल्डर्स एंड फाइल्स। तो जब फैमिली ट्री की बात एग्जांपल हमने दिया, तो इसी तरीके से अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एक हायरार्की स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है फाइल सिस्टम का। तो लाइनक्स सिस्टम्स स्टोर देयर इंपॉर्टेंट फाइल्स अकॉर्डिंग टू अ स्टैंडर्ड लेआउट कॉल्ड द फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड और FHS। लाइनक्स सिस्टम ने इंपॉर्टेंट फाइल्स को स्टैंडर्ड लेआउट में स्टोर करते हैं, जिसको फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड कहते हैं, और शॉर्ट में आप इसे FHS कहते हैं, फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड। लाइनक्स यूजेस द स्लैश कैरेक्टर टू सेपरेट पाथ्स। अब पाथ्स को सेपरेट करने के लिए लाइनक्स स्लैश कैरेक्टर यूज करता है, फॉरवर्ड स्लैश, अनलाइक विंडोज विच यूजेस बैकवर्ड स्लैश। जबकि विंडोज़ में बैकवर्ड स्लैश यूज़ किया जाता है एंड डज नॉट हैव ड्राइव लेटर्स, और लाइनक्स में कोई ड्राइव लेटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। न्यू ड्राइव्स आर माउंटेड एज डायरेक्ट्रीज इन द सेम फाइल सिस्टम, ऑफन अंडर स्लैश मीडिया। जो नई ड्राइव्स होंगी, न्यू ड्राइव्स मीन्स अगर आप किसी एक्सटर्नल ड्राइव को फॉर एग्जाम्पल लगाते हैं, जैसे कि कोई पेन ड्राइव लगाते हैं या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाते हैं, तो वो कहाँ माउंट होती हैं, सिंगल फाइल सिस्टम के अंदर, वो स्लैश मीडिया के अंदर जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे रूट, रूट के जो चिल्ड्रन हैं उसमें /usr है, /boot/dev, /etc/home/lib/media/mmt। जो स्लैश मीडिया है इसमें एक्सटर्नल जो भी आप ड्राइव्स यूज़ करते हैं, न्यू ड्राइव्स माउंट करते हैं, वो स्लैश मीडिया के अंदर ओपन हो सकती है।
तो फॉर एग्जाम्पल ए सी डी रॉम डिस्क लेबल्ड फिडोरा माइट एंड अप बींग फाउंड एट स्लैश मीडिया स्लैश फिडोरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक सी डी रॉम लगाई जिसका नाम फिडोरा है, फिडोरा लेबल है उसका, तो उसको एक्सेस करने के लिए क्या पाथ देंगे आप? स्लैश मीडिया, स्लैश मीन्स रूट पे गए पहले, देन मीडिया फोल्डर एंड देन उसके अंदर स्लैश फिडोरा। फाइल रीड मी डॉट टी एक्स टी ऑन दैट डिस्क वुड बी स्लैश मीडिया स्लैश फिडोरा स्लैश रीड मी डॉट टी एक्स टी। इस तरीके से ये पाथ हो जाएगा रीडमी डॉट टी एक्स टी को एक्सेस करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में स्लैश बूट है डायरेक्टरी जिसमें बूटिंग रिलेटेड फाइल्स स्टोर होती हैं, स्लैश ई टी सी में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स रिलेटेड प्रोग्राम्स रिलेटेड फाइल्स सेव होती हैं, स्लैश होम के अंदर जो यूज़र क्रिएट होते हैं उन सभी की यूज़र रिलेटेड फाइल्स स्लैश होम के अंदर होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूज़र अकाउंट बनाया नेम स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट यूज़र होगा उस वो स्लैश होम के अंदर बनेगा, तो स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट उसके अंदर उसके सब फाइल्स होंगी। स्लैश लिब के अंदर लाइब्रेरी रिलेटेड फाइल्स स्टोर होती हैं, स्लैश एम एन टी के अंदर माउंट पॉइंट क्रिएट होते हैं, स्लैश वेयर जो डायरेक्ट्री है उसके अंदर आप फॉर एग्जांपल अगर कोई वेबसाइट स्टोर करनी है आपको लिनक्स सर्वर पर वेब सर्वर बनाते हैं आप तो स्लैश वेयर स्लैश डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर जाके वेबसाइट को आप स्टोर करते हैं। इसके इस स्लैश वेयर में भी काफ़ी सारे फोल्डर्स होते हैं, देख सकते हैं आप नीचे मेल टी एम पी स्कूल कैशे ऑक लिब रन एक्सेट्रा। अब हम डायरेक्टरी ट्री को डिटेल में समझते हैं। ऑल लिनक्स फाइल सिस्टम्स नेम्स आर केस सेंसिटिव। सबसे पहले ये याद रखने की बात है कि लिनक्स फाइल सिस्टम में जो नेम्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, विंडोज़ में केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ आपको याद रखना होगा कि कहाँ आपने को कैपिटल लेटर यूज़ करना है और कहाँ आपको स्मॉल लेटर यूज़ करना है। इसलिए स्लैश स्मॉल बी डबल ओ टी स्लैश कैपिटल बी डबल ओ टी एंड स्लैश कैपिटल बी डबल ओ टी ऑल कैपिटल, ये तीनों अलग अलग फोल्डर्स को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट थ्री डिफरेंट डायरेक्टरीज और फोल्डर्स। मैनी डिस्ट्रीब्यूशंस डिस्टिंग्विश बिटवीन कोर यूटिलिटीज नीडेड फॉर प्रॉपर सिस्टम ऑपरेशन एंड अदर प्रोग्राम्स एंड प्लेस द लेटर इन डायरेक्टरीज अंडर स्लैश यू एस आर थिंक यूजर। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या होता है जो कोर यूटिलिटीज़ होती हैं वो प्रॉपर सिस्टम ऑपरेशंस की उनको ज़रूरत होती है और कुछ अलग डिपेंडेंसीज की ज़रूरत होती है अदर प्रोग्राम्स की, तो वो सभी कहाँ स्टोर होते हैं? स्लैश यू एस आर में, जिसको हम यूज़र भी कह सकते हैं स्लैश यूज़र। टू गेट अ सेंस फॉर हाउ द अदर प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज फाइंड द स्लैश यू एस आर डायरेक्ट्री इन द डायग्राम अबव एंड कंपेयर द सब डायरेक्ट्रीज विद दोज दैट एग्जिस्ट डायरेक्टली अंडर द सिस्टम रूट डायरेक्ट्री। तो कैसे डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं इसको अगर आप को कंपेयर करना है डिफरेंट सब डायरेक्ट्रीज में, तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको, जैसे कि स्लैश रूट में स्लैश यू एस आर है यूज़र, उसके अंदर फिर स्लैश bin slash include slash lib slash admins folders exist करते हैं। तो इस पर अगर आप कोई फाइल आपको एक्सेस करनी है क्योंकि स्लैश इंक्लूड के अंदर स्टोर है, तो उसका पाथ हो जाएगा स्लैश रूट स्लैश यू एस आर स्लैश इंक्लूड स्लैश फाइल नेम। अब हम समझते हैं paths। अभी तक हम बात कर रहे थे स्लैश लगा लगा कि फाइल एक्सेस करने के लिए अक्रॉस द डायरेक्टरी ट्री कैसे आपको ट्रैवल करना है एंड एक्सेस करना है, तो अब किसी भी फाइल को स्टोर करने के लिए या एक्सेस करने के लिए आपको पाथ देना होता है। ये इसका एग्जांपल्स हम अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे जब हम कमांड्स लर्न करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि पाथ्स कितने तरीके के होते हैं। दो तरीके के बेसिकली पाथ होते हैं, एब्सोल्यूट पाथ नेम और रिलेटिव पाथ नेम। एन एब्सोल्यूट पाथ नेम बिगिंस विद द रूट डायरेक्टरी एंड फॉलोज द ट्री ब्रांच बाय ब्रांच अंटिल इट रीचेस द डिजायर्ड डायरेक्टरी और फाइल।
एब्सोल्यूट पाथ ऑलवेज स्टार्ट विथ स्लैश, तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट पाथ बताना, यानी कि आपको फुल पाथ अपने कमांड में मेंशन करना है रूट से लेके फाइल तक। तो रूट से आप स्टार्ट करेंगे स्लैश, जैसे कि यहाँ पे बैश आर सी तक ब्लू आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो ब्लू डायरेक्टरीज शो की गई हैं। तो अगर बैश आर सी तक आप जाना है तो उसका पाथ हो जाएगा स्लैश यानी कि रूट डायरेक्टरी होम, देन स्लैश फॉरवर्ड स्लैश फ्रेड, देन स्लैश बैश आर सी स्लैश जो भी फाइल नेम है। ये बिल्कुल इसी तरीके के से होता है जैसे कि आप अपने फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लेटर पोस्ट करते हैं तो उस पर फुल एड्रेस लिखते हैं विद पिन कोड एंड अपना जो है कंप्लीट एड्रेस, हाउस नंबर, लेन नंबर, कॉलोनी। तो जो पर्सन जो होगा पोस्टमैन होगा वो आपका पोस्ट ऑफिस से स्टार्ट करेगा एंड आप घर तक जाएगा उसको डिलीवर करने के लिए उसको ट्रैवर्स करते हुए। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक कंप्लीट एड्रेस को पता रहेगा। रिलेटिव पाथ में क्या होता है, रिलेटिव पाथ में जो एड्रेस दिया जाता है वो उस जगह जाकर बताया जाता है। फॉर एग्जांपल आप किसी सिटी में पहुंच जाते हैं एंड किसी आप चौराहे पे खड़े हैं स्क्वायर पे एंड देन आप वहाँ उस लोकेलिटी में पहुँच कर देन आप किसी से पूछते हैं कि इस पर्सन के हमें घर जाना है। तो वो क्या हुआ, आप उस लोकेशन पर पहुंच गए एंड देन फिर उसके बाद आप घर तक गए। तो ये होता है रिलेटिव पाथ नेम। तो रिलेटिव पाथ नेम स्टार्ट्स फ्रॉम प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि जिस वर्किंग डायरेक्टरी में यूज़र वर्क कर रहा है उसके अंदर की फाइल्स को एक्सेस करने के लिए या स्टोर करने के लिए उसी लोकेशन पर आप रिलेटिव पाथ नेम यूज़ करते हैं। तो रिलेटिव पाथ नेवर स्टार्ट विथ स्लैश, रिलेटिव पाथ कभी भी स्लैश से यानी कि रूट से स्टार्ट नहीं होते। इसके लिए अगर डेस्कटॉप पे फाइल सेव करनी है तो पहले क्या करेंगे, हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। जब आप डेस्कटॉप के अंदर वर्क कर रहे हैं वो आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हो गई, ठीक है। तो जब आप उसके अंदर उसी लोकेशन पर हैं तो जो भी फाइल्स आप सेव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहीं सेव होंगे एंड जो भी फाइल आप एक्सेस करेंगे तो डायरेक्ट फाइल नेम से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑफन रिलेटिव पाथ रिक्वायर्स लेस टाइपिंग, तो इस जो रिलेटिव पाथ में आपको टाइप कम करना होता है, पाथ शॉर्ट हो जाता है, लॉन्ग पाथ नहीं लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर करेंटली वर्किंग इन योर होम डायरेक्ट्री एंड विश टू मूव टू द स्लैश यूएसआर स्लैश बिन डायरेक्ट्री। अगर आप फॉर एग्जांपल आप होम डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं और आपको स्लैश यूएसआर स्लैश बिन डायरेक्टरी में जाना है, ठीक है, तो द फॉलोइंग टू वेज विल ब्रिंक यू टू द सेम डायरेक्टरी फ्रॉम योर होम डायरेक्टरी। तो उसके दो तरीके हैं स्लैश यूएसआर स्लैश बिन डायरेक्टरी में जाने के। एक तो आप सीडी कमांड होती है चेंज डायरेक्टरी, जब आप डायरेक्टरी चेंज करते हैं एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के। एब्सोल्यूट पाथ नेम में क्या होगा, आप स्टार्ट करेंगे रूट से यानी कि स्लैश यू एस आर स्लैश बिन, कंप्लीट पाथ देते हुए आप बिन फोल्डर के बिन डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे। जबकि रिलेटिव पाथ में क्या होगा, पहले आप चेंज डायरेक्टरी करेंगे सी डी डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट का मतलब है पहले आप उस डायरेक्टरी के अंदर चले गए, यानी कि आपने चेंज डायरेक्टरी किया सी डी यू एस आर में गए देन बिन में गए एंड देन उसके अंदर की फाइल्स को, जब आप बिन में चले गए आपके प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बिन बन गए तो आप डायरेक्टली उसके अंदर स्टोर फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर फाइल को स्टोर कर सकते हैं। तो यह है डिफरेंस एब्सोल्यूट पाथ नेम और रिलेटिव पाथ नेम का। इसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, इसी के बेसिस पे आगे लिनक्स में आप जो कमांड्स हैं प्रॉपर या कॉन्फ़िगरेशन है उसको समझ पाएंगे। आई होप कि आज का लेक्चर से आपको नॉलेज आपके लिए ईजी रहा एंड आई होप कि फ्यूचर में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।